अगर आपसे कोई पूछे कि एक आईफोन लेना नीड है या वांट है, तो आप क्या जवाब दोगे? अगर आपका जवाब वांट है, तो शायद इसीलिए क्योंकि आपके पास आईफोन नहीं। हम वांट और नीड का फर्क समझ ही नहीं पाते और इसीलिए जिंदगी एक स्ट्रगल बन जाती है। अगर आप कभी वांट और नीड के स्ट्रगल में फंसे हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ये सीखने के लिए कि हम वांट और नीड का फर्क कैसे समझे एक बेहतर डिसीजन लेने के लिए। इसके साथ साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा आलीशान जिंदगी जीने के बावजूद ना तो खुश था ना तो तृप्त। एक दिन उस राजा ने एक नौकर को देखा जो खुशी खुशी गाते हुए अपना काम कर रहा था। राजा ये देखकर हैरान हो गया कि वो खुद एक राजा होकर खुश नहीं है और ये एक सिर्फ नौकर होकर भी इतना खुश कैसे। फिर राजा ने उस नौकर से पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। उस नौकर ने कहा, राजा जी मैं और कुछ नहीं सिर्फ एक नौकर हूँ। मेरी और मेरे फैमिली की जरूरतें काफी कम है। अगर सर पे छत हो और गर्म खाना मिल जाए तो हम खुश। राजा ये जवाब सुनकर कुछ खुश नहीं था। कुछ देर बाद राजा ने अपने सेनापति से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। सेनापति ने राजा की कहानी सुनकर और उस नौकर की कहानी सुनकर सोच समझकर ये सलाह दी, राजा जी मुझे ऐसा लगता है कि ये नौकर 99 क्लब का हिस्सा नहीं है। 99 क्लब? वो क्या होता है? राजा ने पूछा। सेनापति ने राजा से कहा, महाराज अगर आपको जानना है कि 99 क्लब क्या है, तो आप एक बैग में 99 गोल्ड कॉइंस रख के उस नौकर के घर के सामने रख दीजिए। सेनापति की बातें सुनकर राजा ने वही किया जो कहा गया था। उस नौकर ने जब घर के बाहर एक सोने के कॉइंस से भरी हुई बैग देखी, तो उसने वो बैग घर के अंदर ला दी और बैग खोलते ही वो खुशी से झूम उठा कि इतने सारे गोल्ड कॉइंस कैसे मिले, और उसने उस कॉइंस को गिनना शुरू कर दिया। और काफी बार उसे काउंट कर उसे ये जरूरत से ज्यादा पता चला। वो नौकर इस सोच में पड़ गया कि वो आखिरी गोल्ड कॉइन गया कहां। पक्का कोई 99 कॉइंस तो छोड़कर नहीं जाएगा, जरूर 100 होंगे और एक मिसिंग है। उसने सब जगह देखा बट कहीं पर भी उसे वो फाइनल कॉइन मिल नहीं पाया। काफी देर तक ढूंढने के बाद वो थक कर बैठ गया और उसने उसी मोमेंट पे ये ठान लिया कि अब मैं डबल मेहनत करूंगा और वो आखिरी गोल्ड पॉइंट लूंगा और फिर मेरा कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उस दिन से मानो उस नौकर की जिंदगी ही बदल गई। वो जरूरत से ज्यादा काम करने लगा उस लालच में कि वो 100 गोल्ड कॉइन भी वो कमा ले। और इसीलिए अब काम करते वक्त ना तो गाता था ना तो मजे से काम करता था, क्योंकि सिर्फ एक ही दिमाग में चलता था कि वो 100 गोल्ड कॉइन खरीदना है। इतना गहरा बदलाव देखकर राजा खुद चौंक गया। जब राजा ने सेनापति को बुलाया ये पूछने के लिए कि ये क्या हुआ, तो सेनापति ने कहा, महाराज अब वो नौकर 99 क्लब का हिस्सा बन चुका है। 99 क्लब का हिस्सा वो लोग है जिनके पास काफी चीजें हैं जिंदगी में खुश रहने के लिए, मगर वो फिर भी खुश नहीं क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक पाने की लालच में काम करते रहते हैं। वो खुद को हमेशा यही कहते रहते हैं, सिर्फ एक बार ये आखिरी चीज मिल जाए फिर तो लाइफ सेट है। हम कम जरूरत के साथ भी एक खुशी से जिंदगी जी सकते हैं, बट जैसे ही हमें एक बड़ी चीज मिलती है, हमें लालच होता है उससे भी बड़ी चीज पाने का। और उसे पाने की लालच में हम हमारी नींद छोड़ देते हैं, खुशियां छोड़ देते हैं और आजू बाजू के लोगों को भी दुख पहुंचाते हैं। और ये सब कीमत चुकाते हैं हम जरूरत से ज्यादा हमारे वांट्स को नीड्स में बदलने के लिए। और इसीलिए हमारे वांट और नीड का बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। उसी से हम एक खुशी से जिंदगी जी पाएंगे। आप भी आपके वांट और नीड का फर्क इजीली समझ सकते हो सिर्फ ये सुनकर कि नीड हमेशा पेन को एड्रेस करता है। सो कोई भी चीज जो आपके पास है और अगर किसी ने छीन ली तो आपको दर्द होगा, वो आपकी नीड है। ठीक उसी तरह वांट एड्रेस करता है प्लेजर को। तो कोई भी चीज जो आपके पास नहीं है मगर जब होगी तो आपको प्लेजर मिलेगा, वो है वांट। इसीलिए हमेशा याद रखिए, नेचर के पास सब कुछ है सबके नीड के लिए।
ना के सबके ग्रीड के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अभय वलसंकर को। और इस वीडियो से क्या सीखा ये हमें कमेंट्स में बताएं, और वीडियोस देखते रहिए इसी चैनल पे आपकी डेली डोज ऑफ इंस्पिरेशन के लिए। धन्यवाद।